बंदोबस्त अधिकारी नितिन चौहान के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने दी आंदोलन की चेतावनी। दरअसल मामला उस समय सुर्खियों में आया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ। इस वीडियो में अमरोहा जनपद के चकबंदी विभाग के बंदोबस्त अधिकारी नितिन चौहान द्वारा हसनपुर तहसील क्षेत्र के फूलपुर गाँव में एक किसान के साथ बदसलूकी करने और जेल में गोली मरवा देने की धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। साथ ही समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और नेता रामगोपाल यादव के खिलाफ भी अपशब्दों का इस्तेमाल करने का वीडियो इस अधिकारी का वायरल हुआ तो समाजवादी पार्टी के नेताओं में उबाल आ गया। पहले एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर चुका है और आज फिर से पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा से आरोपी बंदोबस्त अधिकारी नितिन चौहान के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर शिकायत पत्र सौंपा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरशाही बेलगाम है। अधिकारियों की हालत ये है कि जिस तरह कोई अपराधी और गुंडा धमकी देता है, व्यवहार करता है, उसी तरह का व्यवहार अधिकारी कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ फूलपुर एक गांव है, वहाँ पर एक की घटना है और एक बड़ी तेज़ी के साथ सभी पत्रकारों के पास वीडियो होगा। जो हमारे ज़िले के एसओसी हैं, उन्होंने जिस तरह का व्यवहार वहाँ के किसानों के साथ किया, मैं समझ सकता हूँ कि तुरंत सरकार को उसके अंदर एक्शन लेके उनके खिलाफ़ FIR होनी चाहिए थी। जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग एक अधिकारी कर रहा है, वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। हम DM साहब से मिले हैं और DM साहब ने उस पर इतना कार्रवाई भी की है कि जब तक उनकी जाँच चल रही है, जब तक कोई नीतिगत फैसले वो नहीं करेंगे और जाँच के उपरांत जो भी अगर उसके अंदर वो जो उन्होंने एक झूठ तथ्य सामने रखा है के वीडियो के साथ एडिटिंग की गई है, वहाँ जितने भी लोग थे वो गरीब किसान थे और किसी किसान ऐसा किसान नहीं है कि वो इतने बड़े नेता या इतने बड़े अधिकारी हैं कि उनकी कोई वीडियो एडिटिंग करेगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मैं समझता हूँ कि अगर इन सरकारों के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित तौर पर आगामी समय में जब कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसे अधिकारियों का संज्ञान लेकर उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम सरकार करेगी। अच्छा, एक मंत्री जी, इसमें जो है मुलायम सिंह यादव जी और क्या नाम है आपके, रामगोपाल यादव जी के खिलाफ भी एक वीडियो इसमें वायरल हुआ। मैंने कहा ना कि हमारी किसी नेता से वैचारिक मतभेद हो सकता है, हमारी किसी पार्टी से राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन उस अधिकारी की मानसिकता, जिस तरह से उसने हमारे नेताओं के विरुद्ध में अपशब्द बोले हैं, उसकी मानसिकता साफ जाहिर हो सकती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके अधिकारियों की किस तरह की वरिष्ठ नेताओं के प्रति सोच है। हम लोगों ने मांग की है अगर 30 तारीख तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो यहीं DM कार्यालय के अंदर एक बड़ा आंदोलन चालू किया जाएगा और उस आंदोलन को तब तक किया जाएगा जब तक उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर सरकार नहीं कर सकती है तो कोर्ट की शरण लेकर भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम हम लोग करेंगे।